वो लगातार दावे कर रही है कि हमने इनका उत्थान किया है, तो क्या मानते हैं कि सिर्फ राज्यों में हुआ है उत्थान? भाई, किसानों का आय दुगुनी यदि करने, तो एक तरफ कृषि लागत बढ़ते जा रहा है क्योंकि डीजल पेट्रोल और रासायनिक खाद के भाव बढ़े हैं, इसका मतलब यह है कि लागत में वृद्धि हो गई। दूसरी तरफ किसान, सैकड़ों किसान की मौतें हुई, उनकी शहादत हुई, और उसको एमएसपी में, अभी खट्टर साहब के सरकार में भी सूरजमुखी समर्थन मूल्य खरीदो इसलिए आंदोलन करना पड़ा, उसमें लाठियां बरसाई गई। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, एक डेढ़ महीने पुरानी बात। तो यदि किसान को एमएसपी में रेट नहीं मिल रहा है तो आय दुगुनी कैसे हो गई? केवल 6,000 रुपया देने से? अब तो जो पहले दे दिए थे अब उसकी वसूली शुरू कर दिए हैं लोग, उसको नोटिस भेज दिए पैसा जमा करो, तो ये स्थिति, आय दुगुनी कहाँ से हो गई? और दूसरा सवाल कौन सा था? अनुसूचित जनजाति की बात, तो पिछले सरकार में अनुसूचित जनजाति का आपने अधिकार छीना है, लाखों एकड़ जमीन आदिवासियों से छीन के अपने कारपोरेट मित्रों को आपने दिया है, इसी छत्तीसगढ़ में। हमने तो वापस करने की बात कही, पैसा नियम कानून कब से लागू है? नियम बना नहीं सके, 15 साल आपको अवसर मिला, हमने बनाया। वनाधिकार, सामुदायिक वनाधिकार का एक पट्टा नहीं दिए, हमने 4,000 सामुदायिक वनाधिकार का पट्टा दिया और 18 लाख हेक्टेयर जमीन हमने दी। तो लगातार आदिवासी हित में कांग्रेस की सरकार, चाहे वो इंदिरा जी के समय की बात हो चाहे उसके बाद की बात हो, आदिवासियों के हित में लगातार काम होता रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लूटने का काम कर रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।